जय हिंद। आजकल एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है कि फ्रूट्स तरबूजा को जब काटा जाए तो उसके ऊपर टिश्यू पेपर लगाने से उसमें कलर आ रहा है। ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है और शायद आपने भी देखा हो। यस, वेलकम बैक टू योर चैनल ईमाइंड। इन दिस वीडियो आई विल शो द एग्जैक्ट रीजन कि आजकल जो समर में जितने भी फ्रूट्स आ रहे हैं, जैसे तरबूज हो गया, मस्कमेलन, वाटरमेलन एक्सेट्रा, ये काफी ज्यादा कलरफुल क्यों दिखते हैं और लोग इसे ज़्यादा लेना भी पसंद करते हैं। ज़्यादा रंगीन, ज़्यादा रेड, येलो और डिफरेंट कलरफुल दिखते हैं, उसको ही ज़्यादा चॉइस करते हैं लेना। लेकिन शायद आपको पता नहीं है कि ये कलर यदि बॉडी के अंदर ज़्यादा कंज्यूम हो तो ऐसे तो बीमारियाँ होती है, और साथ ही अगर बॉडी ज़्यादा कंज्यूम कर लेती है इस तरीके के सिंथेटिकल कलर तो आपको कैंसर भी होने का खतरा है। जी हाँ, आपने तो सुना ही होगा कि फ्रूट्स को जिस तरीके से सिंथेटिकली कलरिंग किया जाता है, जैसे टोमेटो को ज़्यादा रेड कर दिया जाता है उसमें इंजेक्शन लगा करके, उसी तरीके से गर्मियों में जो फ्रूट्स आते हैं उसको इंजेक्शन देकर के और सिंथेटिकली कलर भी किया जाता है, जिसमें लीड क्रोमेट का इस्तेमाल किया जाता है और मीथेनॉल येलो रेड का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे क्या फ्रूट का कलर और ज़्यादा डीप रंगीन हो जाता है। यहाँ तक कि आपने देखा होगा ब्लू कलर के भी तरबूज जो मार्केट में मिलते हैं, तो क्या आपने कभी सुना है इस तरीके के ब्लू कलर का तरबूज होता है? लेकिन ये लोग शौक से खरीदते हैं और इसे खाते हैं, लेकिन शायद आपको पता नहीं है कि यदि बॉडी उसको ज़्यादा कंज्यूम करती है तो आपके शरीर में बहुत ही खतरनाक बीमारी पैदा कर सकती है। यदि मार्केट में इस समय गर्मी के मौसम में कोई फ्रूट्स खरीदते हैं तो किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इस फ्रूट के अंदर कोई सिंथेटिकली कलर तो नहीं मिलाया हुआ है, या किस तरीके से आप वास्तविक और अच्छे फ्रूट्स का पहचान कर सकते हैं? तो सिंपल सा फंडा है, यदि आप उस फ्रूट को काटते हैं और उसे पानी में डीप करके रखते हैं, वाटर में डीप करके, वो कलर छोड़ने लगता है तो इसका मतलब उसमें सिंथेटिकली कलरिंग किया गया है, राइट? या दूसरा तरीका है, यदि आप उस फ्रूट को काट करके उसके ऊपर टिश्यू पेपर यदि घसते हैं, टिश्यू पेपर को फेंटते हैं, तो उस टिश्यू पेपर पर भी कलर आ जाता है। तो ये दो तरीके से आप आसानी से फ्रूट में सिंथेटिकली आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल किया गया है या नहीं आप पहचान सकते हैं। और ज़्यादातर आप देसी फ्रूट्स जो कि ऑर्गेनिक तरीके से जो उपजाया जाता है गांव में, उस फ्रूट्स को लेने का ज़्यादा कोशिश करें, जो कि नॉर्मली आप देखते हैं ठेले वगैरह पे गरीब किसान लोग बेचते हैं, वास्तव में वही फ्रूट सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं, राइट? तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप कहीं फ्रूट खाना ही आपके शरीर के लिए हानिकारक है और आप फ्रूट खाएं ही नहीं। बिल्कुल फ्रूट शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है, इसमें तो वाइटमिन्स के साथ साथ जो एसिडिक एसिड वगैरह होते हैं जो शरीर के लिए बेनिफिट्स भी हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बढ़ाता है। लेकिन गर्मी में इसे जब भी फ्रूट खरीदते हैं तो उसे पानी में डीप करके रखें आधे घंटे तक मिनिमम, और तब उसे खाएं, ताकि उसका जो हीट है बॉडी के अंदर वो जाने से पहले वो पानी में निकल जाए, राइट? सो आई होप दिस वीडियो इज रियली इन्फॉर्मेटिव एंड आप अभी से आइडेंटिफाई करें और अच्छे फ्रूट्स खाएंगे और कीप हेल्दी एंड कीप हैप्पी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर सिमिलर वीडियोज़।